बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये हम कुकिंग में अपने व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ। आज मैं रमजान स्पेशल में अपने व्यूअर्स के लिए बनाऊंगी कीमा पकौड़ा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। कीमा पकौड़ा रेसिपी के लिए लिया सबसे पहले कीमा, थोड़ा सा मैंने कीमा लिया, आधा पाव मकई का आटा, इसमें मैंने लिया मैदा और दो चम्मच ही मैंने इसमें लिया बेसन, ये सारा मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने प्याज लिया चॉप किया हुआ बारीक बारीक, छोटा सा आधा, हरा धनिया डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा, अनारदाना लिया मैंने थोड़ा सा वो डालूंगी मैं इसमें, नमक हाफ टेबल स्पून मैंने नमक दिया वो डालूंगी इसमें, और पकौड़ा मिक्स मसाला 1 टेबल स्पून ये मैं इसमें डालूंगी, इनको मैं करूंगी मिक्स। तकरीबन थोड़ा सा ही मैं इसमें डालूंगी मीठा सोडा 1 चुटकी के बराबर, पानी डालूंगी थोड़ा सा, इसको मैं पानी डालकर मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से, ज्यादा पानी थोड़ा सा पानी और डालूंगी। मैंने मिक्स कर लिया, यह रेडी है, इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी, इसके बाद बनाते हैं पकोड़े। जब तक हम ऑयल जो है वो गरम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल हमारा जो है वो गरम हो चुका है, ये देखें। अब इसमें मैं डालती हूँ पकोड़े, ज्यादा बड़े नहीं डालिएगा, छोटे छोटे मैं डालूंगी और इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि हमारा जो इसमें कच्चा कीमा था वो भी अच्छे से पक जाए। पकौड़े के साथ ही कीमा है वो भी तैयार हो जाएगा, आप बनाइएगा जरूर देखिएगा, लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने कच्चा कीमा डाला हुआ है। जब पकौड़े को फ्राई करेंगे गोल्डन, उसके साथ ये कीमा जो है वो भी फ्राई हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा और डाल देती हूँ, प्लेन जो है वो आपने बिल्कुल दरमियानी ही रखनी है, ज्यादा तेज भी ना हो और ज्यादा कम भी ना हो, ताकि ये आराम आराम से फ्राई हो। ये देखिए एक तरह से पकौड़ा जो तैयार हो गया, इसको हम पलटेंगे। अब ये दूसरी तरफ से भी जो है तैयार हो जाए। बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, जबरदस्त किस्म की। जैसे पकौड़े हमारे गोल्डन हो चुके हैं, बस ज्यादा नहीं करने के, वो ब्लैक ब्लैक नजर आए। से
póngale calor. पकौड़े भी हमारे हो चुके हैं तैयार। इनको भी मैं डिश ऑफ करती हूँ। चूल्हा हम करते हैं बंद नीचे से। सारे निकाल देते हैं। कीमा पकौड़ा रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। मैं इसको दही की चटनी के साथ लूँगी। आप चाहें तो आप केचप के साथ ले सकती हैं, दही की चटनी के साथ ले सकती हैं, हरी चटनी के साथ ले सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। रमज़ान में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी रमज़ान की रेसिपी जो है वो आपको मिल सके। इसके दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।